हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति। आज हम बनाने वाले हैं उबले हुए आलू की तरीदार सब्जी, जिसे आलू का झोल भी बोलते हैं हम लोग, पूड़ी के साथ में सर्व करते हैं। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से बनाया है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक तेज पत्ता लिया है, दो दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, चार हरी मिर्ची ली है, बीच में से मिर्च को चीरा लगा लिया था, चार मीडियम साइज़ के टमाटर, हींग, हरा धनिया, आमचूर पाउडर, तड़के के लिए जीरा, थोड़ी सी मैंने धनिया के बीज लिए हैं, काली सरसों जो होती है उसके दाने, और एक बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है। मसालों की आवश्यकता होगी हमको, और 9 से 10 मैंने उबले हुए आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के। कढ़ाई को गर्म होने के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल भी गर्म होने के बाद हम यहाँ पे जो तड़का था उसको ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया था धनिया का बीज, जीरा और राई के दाने, तो ये भी अच्छे से क्रैकल हो चुके हैं। धनिया का बीज जो है वो थोड़ा टाइम लेता है दोस्तों, तो उसको सिम फ्लेम पर ही हमें भूनना है। हींग भी ऐड कर ली है मैंने, हींग को भी थोड़ा सा चला लेंगे। और ये दालचीनी की स्टिक मैंने ऐड कर ली है, तेज पत्ते भी ऐड कर लिए हैं। तो एक मिनट के लिए हम इन्हें सिम फ्लेम पर भून लेंगे अच्छे से। और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे मिर्च को, तो ये चारों मिर्च मैंने ऐड कर ली है, इनको भी हम भून लेंगे थोड़ा सा। और अब मैंने यहाँ पे ऐड किया है टमाटर, चला लेंगे टमाटर को। और अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम नमक, तो नमक जो लिया है मैंने एक चम्मच लिया, छोटी वाली टीस्पून जो होती है, और मिला लेंगे इसको, ढक लेंगे हम इसे 2 मिनट के लिए, जब तक कि टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट ना हो जाए। तो चलिए चेक कर लेते हैं, 2 मिनट भी हो चुके हैं और टमाटर जो है हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, तो हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे आमचूर लिया है, जिससे हमारी सब्ज़ी जो है खट्टी खट्टी बनेगी, बहुत टेस्टी लगती है, स्पेशली पूड़ी के साथ में, पराठों के साथ में तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी। और ये देखिए 1 मिनट के लिए इसे भूनने देंगे, तो ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो चुका है अच्छे से। और अब हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे आलू, तो आलू को मैंने मैश कर लिया था, कोई कोई टुकड़े थोड़े थोड़े बड़े छोड़े हुए, बिकॉज़ वो थोड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं, और कोई कोई मैंने अच्छे से मैश कर लिया। बहुत अच्छे से मैश नहीं करेंगे सारे आलू को, नहीं तो जो सब्ज़ी है फिर वो खाने में अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि जब हम सब्ज़ी को स्टेयर करेंगे तो उस टाइम पर भी हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से मैश हो जाएंगे, तो फिर वो अच्छे नहीं लगते। और इसको अब 2 से 3 मिनट के लिए हम ढक लेंगे, ताकि जो आलू है वो मसाले के साथ में अच्छे से भुन जाए। तो ये 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और मसाले भी हमारे आलू के साथ अच्छे से मिल चुके हैं। और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 गिलास पानी, तो जो पानी का गिलास है वो 250 ml का है, चला लेंगे अच्छे से। और इसी तरीके से अब हम सब्जी को कुक होने देंगे, तो ये देखिए इसमें हल्का सा बॉयल आने लगा है सब्जी में, सब्जी जो है हमारी बहुत अच्छे से उबलने लगी है, चेक कर लेते हैं। तो सब्जी देखिए हमारी बहुत टेम्पटिंग बनी हुई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी धनिया के पत्ते, और अब हम सब्जी को ढक लेंगे। तो ये सब्जी हमारी बनकर के तैयार है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर के तैयार हुई हमारी। वीडियो पसंद आया हो आपको तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।